असलम एवरी एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एवरीडे इंग्लिश स्पीकिंग कन्वर्सेशन सेंटेंसेस विद उर्दू ट्रांसलेशन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस इज़ कौन बात कर रहा है इन इंग्लिश हु इज दैट स्पीकिंग कौन बात कर रहा है हु इज़ दैट स्पीकिंग नेक्स्ट वन इज़ आपको किससे बात करनी है हु डू यू विश टू टॉक टू आपको किससे बात करनी है

ये अक्सर हम फोन पे कहते हैं अगर किसी ने किसी से बात करनी है तो हम उन्हें कहते हैं कि इंतज़ार करें तो उसके लिए हम कह सकते हैं हैंग ऑन ठीक है समझ आ गई नेक्स्ट वन इज़ वो अभी यहाँ नहीं है हे इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ वो अभी यहाँ नहीं है हे इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ नेक्स्ट वन सेंटेंस इज़ क्या आपको पता है कि वो कहाँ है डू यू हैव एनी आइडिया वेयर ही इज़ क्या आपको पता है कि वो कहाँ है डू यू हैव एनी आइडिया वेयर ही इज़ नेक्स्ट इज़ मुझे नहीं पता आई डोंट नो मुझे नहीं पता आई डोंट नो क्या आपको पता है वो कब वापस आएगा डू यू नो when ही विल बी कम बैक क्या आपको पता है वो कब वापस आएगा डू यू नो when ही विल बी कम बैक वो तीस मिनट में वापस आ जाएगा ही शुड बी बैक इन थर्टी minutes. वो तीस मिनट में वापस आ जाएगा ही शुड बी बैक इन थर्टी minutes. क्या मैं कोई पैगाम दे सकता हूँ कैन आई लिव a मैसेज क्या मैं कोई पैगाम दे सकता हूँ कैन आई लीव अ मैसेज यानी जिससे हमें बात करनी है अगर आपने उसको कुछ जरूरी कुछ कहना है तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कैन आई लीव अ मैसेज यानी जब वो आएगा तो आप उसको ये चीज बता दें जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं तो उसमें आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं कैन आई लीव अ मैसेज बिल्कुल अफकोर्स बिल्कुल अफकोर्स एक सेकेंड इंतजार करें होल्ड ऑन फॉर जस्ट अ सेकेंड एक सेकेंड इंतजार करें होल्ड ऑन फॉर जस्ट अ सेकेंड तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमने किसी को अगर वेट करवाना हो तो हम कहते हैं कि एक सेकंड वेट करें एक सेकंड इंतज़ार करें तो उसमें आप ये इंग्लिश में बोल सकते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वट कैन आई डू फॉर यू नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको कितना चाहिए हाउ मच डू यू वॉन्ट आपको कितना चाहिए हाउ मच डू यू वॉन्ट ये अब आप किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अगर किसी से पूछनी है कि आपको कितनी चाहिए तो उसके लिए आप ये इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ मच डू यू वॉन्ट नेक्स्ट इज़ क्या मैं ये वापस ले लूँ मे आई हैव इट बैक क्या मैं ये वापस ले लूँ मे आई हैव इट बैक हाँ ये है येस हेयर यू आर अच्छा अब ये हम कब बोलेंगे जैसे अगर हम किसी से अपनी चीज़ वापस लेने के लिए, के लिए कहते हैं कि ये मैं वापस ले लूँ तो उसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी ये ले लें तो उसमें हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे यस हेयर यू आर ये जो चीज़ आप मांग रहे हैं वापस वो ये है यस हेयर यू आर आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट नेक्स्ट सेंटेंस इज वो ज्यादा बुरा नहीं है दैट्स नॉट टू बैड अब यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही यहाँ पे किसी चीज के बारे में बात हो रही है कि वो ज़्यादा बुरा नहीं है वरना अगर किसी इंसान के बारे में बात हो रही होती तो हम यहाँ पे कहते हैं ही इज़ नॉट टू बैड और शी इज़ नॉट टू बैड यहाँ पे बात हो रही है किसी चीज़ के बारे में दैट नॉट टू बैड कि हम कभी किसी चीज़ के बारे में कह देते हैं कि वो ज़्यादा बुरी नहीं है या वो ज़्यादा बुरा नहीं है सो वी विल से इन इंग्लिश दैट्स नॉट टू बैड ओके सो नेक्स्ट वन इज़ मैं यहाँ पंद्रह मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ आई हैव बिन वेटिंग हेयर फॉर फिफ्टीन मिनट्स मैं यहाँ पंद्रह मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर फिफ्टीन मिनट्स अब यहाँ पे आप अपने लिहाज से यहाँ टाइम चेंज कर सकते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पे फिफ्टीन टवेंटी थर्टी जितने भी मिनट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट वन इज़ मेरे ख्याल से मैं ये कर सकता हूँ आई थिंक आई कैन हैंडल इट मेरे ख्याल से ये मैं कर सकता हूँ आई थिंक आई कैन हैंडल इट नेक्स्ट इज अंदर आओ और बैठ जाओ कम इन एंड सिट डाउन अंदर आओ और बैठ जाओ कम इन एंड सिट डाउन क्या मसला है वर्ड्स द ट्रबल क्या मसला है वर्ड्स द ट्रबल नेक्स्ट वन सेंटेंस इज मुझे बहुत ज़्यादा खांसी और गले की सोजिश है आई हैव अ बैड कफ एंड अ सोर थ्रोट मुझे बहुत ज्यादा खांसी और गले की सूजन है आई हैव अ बैड कफ एंड अ सोर थ्रोट क्या आपको बुखार है डू यू हैव अ फीवर क्या आपको बुखार है डू यू हैव अ फीवर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे यू विल बी फाइन सून आप जल्दी ठीक हो जाएंगे यू विल बी फाइन सून सादा पानी पियो और अच्छे तरीके से आराम करो ड्रिंक मोर वाटर एंड गेट अ गुड रेस्ट ज्यादा पानी पियो और अच्छे तरीके से आराम करो ड्रिंक मोर वाटर एंड गेट अ गुड रेस्ट यह कोई बड़ी बात नहीं है इट्स नॉट अ बिग डील ये कोई बड़ी बात नहीं है इट्स नॉट अ बिग डील क्या आप मुझे कुछ दवाई दे सकते हो कैन यू गिव मी सम मेडिसिन क्या आप मुझे कुछ दवाई दे सकते हो कैन यू गिव मी सम मेडिसिन ये बहुत दर्दनाक है इट्स रियली पेनफुल ये बहुत दर्दनाक है इट्स रियली पेनफुल इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे इट विल टेक अबाउट 10 टू 15 मिनट्स इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे इट विल टेक अबाउट 10 टू 15 मिनट्स मैं यहाँ इंतज़ार कर लूँगा आई विल वेट हेयर मैं यहाँ इंतज़ार कर लूँगा आई विल वेट हेयर मुझे लगा आप भी वहाँ जा रहे हैं